तो आज है संडे, हम लोग मिलकर सभी खाएंगे अंडे, लेकिन पहले क्यों कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर क्यों वीडियो। संडे है तो क्यों वीडियो तो आनी थी। जब मैं अपने स्कूल के टाइम पे सोचता था कि भाई संडे कब आएगा, छुट्टी कब होगी स्कूल की, तब संडे ऐसा लगता था कि साल में एक बार आता है, लेकिन जब क्यों बनाते बनाते मेरी हालत ख़राब हो जाती है, तब लग ऐसा रहा है कि संडे हर एक दूसरे दिन आ जाता है। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैंने करीबन 25 के लगभग क्वेश्चन पिक किए। आज मैंने कहा था आप सभी से कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना है कम्युनिटी टैब के ऊपर, और सिर्फ एक दो इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की बाढ़ आ गई कम्युनिटी टैब के ऊपर, क्योंकि आपने 300 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे। मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे रीड कर लिए थे और भाई सारे क्वेश्चन बहुत कमाल के थे, लेकिन भाई सारे क्वेश्चन तो पिक कर नहीं सकते। अगर मैं 300 क्वेश्चन पिक करूंगा तो पता नहीं कितने 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मैंने बेस्ट ट्राई की है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पिक किया जाए। जिन लोगों के पिक नहीं हुए, नेक्स्ट टाइम भाई मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है क्रिकेट अड्डा की तरफ से, क्वेश्चन ये है क्या रिया रिप्ली की जो टाइटल रेन है वो काफी जल्दी खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि भाई रिया रिप्ली की टाइटल रेन जल्दी खत्म होगी, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ जब उनका मैच हुआ था ट्रिपल थ्रेट मैच में रेसलमेनिया बैकलैश में, अगर WWE को उन पर भरोसा ना होता उनकी टाइटल रेन वहीं खत्म हो जाती और शार्लेट वहीं पर चैंपियन बन जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन फिएंड को लेकर है कि क्या जब फिएंड एक बार फिर से रिटर्न करेंगे, जो एलेक्सा ब्लिस ने एक तरह की दगेबाजी की थी फिएंड के साथ रेसलमेनिया में, वो क्यों किया था कि WWE हमें इसके बारे में बताएगी। आई थिंक भाई WWE को भी आइडिया नहीं होगा कि हम फैंस को क्या चीज बताएं, सिर्फ उन्हें एलेक्सा और फिएंड को सेपरेट करना था, और मुझे नहीं लगता कि WWE इसकी कोई एक्सप्लेनेशन देने वाली है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ सीरीज का वापस आएगी। भाई मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी व्हाट इफ सीरीज वापस आए, बहुत सारे इसको लेकर कमेंट आ रहे हैं, फेस कैम वीडियोस के लेकर भी आ रहे थे, तो भाई फेस कैम वीडियो का भी काफी जल्दी मैं ट्राई कर रहा हूं कि सारी वीडियोस फेस कैम होगी। बाय द वे लव यू सर, एंड रोड टू 100K इज ऑन एंड थैंक यू सो मच यार। आप सभी ने 50,000 सब्सक्राइबर, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है किसी भी बंदे के लिए कि आपने यूट्यूब के ऊपर 50K सब्सक्राइबर्स के अराउंड अचीव कर लिए, आपने वो कंप्लीट करवा दे, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, और 100K भी बहुत जल्दी होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार अमर हसन की तरफ से है सामने, भाई क्या ब्रॉक लेसनर 20 जुलाई को रिटर्न करेंगे रॉ में। आई थिंक जो लेसनर की रिटर्न है वो रॉ में तो नहीं होने वाली, जब लाइव फैंस एक बार फिर से रिटर्न करेंगे या फिर मनी इन द बैंक में, या फिर उसके बाद जो भी WWE का पेपर व्यू होने वाला, पेपर व्यू के अंदर स्पेशली मेरे हिसाब से लेसनर के रिटर्न पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार भावेश भाई की तरफ से है सामने, भाई क्या इस बार सर्वाइवर सीरीज के पहले सुपरस्टार्स हमला करेंगे रॉ या फिर स्मैकडाउन में जाके। आई थिंक इस बार NXT भी इन्वॉल्व होने वाले सर्वाइवर सीरीज के अंदर, क्योंकि इसको लेकर भी क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से रॉ और स्मैकडाउन का इस बार इन्वेजन WWE जरूर दिखाएगी। पिछले साल इसे नहीं दिखाया, शायद कोविड वगैरह कुछ चक्कर चल रहा था और WWE ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे हिसाब से सिचुएशन धीरे धीरे करके या फिर USA में तो कह लो बहुत जल्दी बेटर हो रही है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सर्वाइवर सीरीज के अंदर इन्वेजन जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार मृत दुश्मन देखा की तरफ से है सामने, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जिंदर महाल का मैच मनी इन द बैंक में होगा और समर स्लैम में, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू के अंदर मैकइंटायर अगर टाइटल मैच का पार्ट नहीं होते हैं तो वो जो लैडर मैच होता है ना MITB वाला, उसका पार्ट होंगे, और आई थिंक मैकइंटायर और महाल का जो मैच है वो समर स्लैम शो के अंदर ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार ड्रीम मैच मेकर की तरफ से सामने, भाई WWE ने 25 सिटी को लेकर डिसाइड किया कि वो टूरिंग के लिए, तो क्या WWE हर रॉ और स्मैकडाउन के अलग अलग सिटी में जाके करेगी। अगर क्वेश्चन समझ गए हो तो पिक कर लेना। तो हाँ भाई एकदम सही आपने सोचा है कि WWE हर अलग अलग जगह पर रॉ और स्मैकडाउन के शो करेगी। WWE ऐसा पहले करती थी, रॉ कहीं और हो रहा है, स्मैकडाउन कहीं और हो रहा है, एक हफ्ते का रॉ सिर्फ एक जगह होता है, अगले हफ्ते जो रॉ का एपिसोड है वो दूसरी जगह होता है, और ये जो पूरा टूर है WWE का 25 दिन का, इसके अंदर रॉ की हर हफ्ते अलग लोकेशन होगी, स्मैकडाउन की हर हफ्ते अलग लोकेशन होगी, और वो 25 सिटीज WWE डिसाइड करने वाली है कि कहां कहां पर वो रॉ स्मैकडाउन और बीच में अगर कोई पे पर व्यू आएगा करवाती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट लवर की तरफ से आया सामने, वेल विल किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट विल हैपन। मुझे लगता है कि भाई ये किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट समर स्लैम के बाद होगा अगर WWE करवाती है, वरना अपने राजा कॉर्बिन तो वहीं अभी फिलहाल के करंट रिंग टूर्नामेंट के विनर, पता नहीं कब उन्होंने जीता था, और WWE जैसे भूल ही गई है कि इसका टूर्नामेंट फिर से कंडक्ट करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डैनियल ब्रायन इन WWE। उनका स्टेटस काफी मिस्टीरियस है, पता नहीं वो कंपनी के अंदर आएंगे या फिर नहीं। फाइनल क्वेश्चन जॉन सिना को लेकर है, क्या वो एक बार फिर से वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे अपने रिटर्न के बाद। अभी फिलहाल क्या जॉन सिना के प्लान्स होने वाले हैं इसको लेकर ज्यादा कुछ रिपोर्ट आई सामने नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि अपने एक वीडियो के अंदर इसको लेकर कुछ बड़ी बातें डिस्कस करूं, क्या जॉन सिना 17 टाइम चैंपियन बन सकते हैं उनकी WWE रिटर्न के बाद या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार ये
यश भाई की तरफ से है सामने क्यूए ने अलर्ट ब्रो वाइट WWE चूज ओनली रोमन रेंस फॉर द फर्स्ट टॉप फेस ऑफ द कंपनी एंड नाउ द टॉप हील ऑफ द कंपनी वाई ब्रो वाई यानी कि क्यों WWE सिर्फ रोमन को ही चूज करती है पहले उनको कंपनी का टॉप बेबी फेस बनाने का WWE ने पूरा ट्राई किया और अब तो वो कंपनी के टॉप हील सुपर स्टार भी बन चुके हैं तो सिर्फ रोमन ही क्यों तो मेरे हिसाब से इसका एक छोटा सा और सिंपल सा आंसर है बिकॉज रोमन स्टार्टिंग से विंस मैकमैन के फेवरेट है और अगर आप विंस मैकमैन के फेवरेट हो दुनिया की कोई भी ताकत आपको WWE का टॉप सुपरस्टार बनने से नहीं रोक सकती जॉन सेना भी विंस मैकमैन के काफी ज्यादा फेवरेट था और मेरे हिसाब से यही वो रीजन है कि जॉन सेना भी इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं नो डाउट उनके अंदर टैलेंट जरूर है लेकिन अगर आपको टैलेंट को शोकेस करने का मौका ही ना मिले तो आई थिंक वो चीज के कारण आप कोई बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाओगे और रोमन रेंस के अंदर भी टैलेंट है लेकिन विंस मैकमैन उनको अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं इसलिए शायद रोमन का टैलेंट अभी फिलहाल इतना ज्यादा उभर कर आया है नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार अरहान शेख की तरफ से है सामने हेलो ब्रो रेमेस चीरो को कभी मेन टाइटल का चांस मिलेगा आई थिंक अभी जितना भी रेमेस चीरो का करियर बचा है वो अपने बेटे यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो के करियर को यूटिलाइज करने के अंदर लगा रहे हैं कि कितना अच्छा वो अभी फिलहाल डोमिनिक का करियर कर सकते हैं क्योंकि जब तक रेमेस चीरो WWE के अंदर है तब तक आई थिंक ज्यादा प्रायोरिटी मिलने वाली है डोमिनिक को WWE ऐसा इसलिए करेगी ताकि रेमेस चीरो कंपनी को लीव करके जब भी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा कोई दूसरी कंपनी के अंदर ना जाए और इसलिए मुझे ही नहीं ऐसा लगता कि कोई मेन टाइटल अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर रेमेस चीरो को मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार ड्रीम गेमर की तरफ से है सामने बिगी वर्सेस ब्लैक एट हेल इन अ सेल फाइनली एलिस्टर ब्लैक की रिटर्न हो गई है आप फ्यूचर में ब्लैक का फ्यूड किसके साथ देखना चाहोगे तो पर्सनली मैं देखना चाहूंगा डीमन फिन बैलर या फिर एलिस्टर ब्लैक के बीच फ्यूड या फिर अगर हम सर्वाइवर सीरीज की तरफ बढ़ते हैं तो काश हमें एक फ्यूड दिखाई दे जाए जो कि होगा एलिस्टर ब्लैक वर्सेज फिंड के बीच आई थिंक ये वाला जो फ्यूड है वो बहुत अच्छी रेटिंग्स गेन कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार तनिष भाई की तरफ से है सामने भाई कल रोमन रेंस ट्रैक सूट पहन कर आए थे जो रॉक पहन के आते थे WWE में तो क्या WWE रोमन वर्सेज रॉक टीज कर रही है यहां पर WWE रोमन वर्सेज रॉक तो टीज कर ही रही है लेकिन आपने देखा होगा अगर WWE का जो फॉक्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है उसने लिखा था दोनों की फोटोज को एक साथ पोस्ट करके कि सेम एनर्जी अब WWE हमें इसे ये भी बताना चाहते कि रोमन जो है द रॉक के कैपेबल वाले सुपरस्टार बन गए हैं रोमन उस लेवल के सुपरस्टार बन गए कि तो रॉक के साथ कंपैरिजन आप उनका कर सकते हो और द रोमन और जो रॉक है वो WWE के दो बड़े मेगा स्टार्स हैं तो शायद WWE रोमन को थोड़ा और ऊपर दिखाना चाहती है इसलिए जानबूझ के WWE ने खुद उस चीज का भी कंपैरिजन किया है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि इस बार वरुण श्री की तरफ से है सामने भाई ये क्वेश्चन ले लो बहुत मजेदार है तो चलो भाई पढ़ते मजेदार क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि रिडल मनी इन द बैंक जीत गई और फिर रैंडी ऑर्टन टैग टीम टाइटल भी जीत गए और फिर रेसलमेनिया के आसपास वो टाइटल हार जाए और रैंडी ऑर्टन हील करके उनके मैच हो रेसलमेनिया में लेकिन इनके मैच से पहले रेसलमेनिया के अंदर एक WWE टाइटल मैच होगा रिडल कैश इन करेंगे और वो चैंपियन बन जाएंगे और फिर इनका मैच चैंपियनशिप के लिए होगा तो कितना मजा आएगा ब्रो तो देखो भाई जो स्टोरी लाइन है वो तो आपने काफी कमाल की लिखी है लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि विंस मैकमैन इतनी जल्दी रिडल को इतना बड़ा पुश देंगे कि उनको मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस थमा दें अभी फिलहाल उनका जो फ्यूड है वो धीरे धीरे करके बिल्ड होगा रेसलमेनिया 38 के अंदर मेरे हिसाब से भी ज्यादा चांसेस हैं कि रिडल आरके ब्रो की जो यानी पूरी टैग टीम है वो टूट चुकी होगी और रिडल रैंडी ऑर्टन का फेस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार अरमान झा की तरफ से है सामने भाई आपका फेवरेट थीम सॉन्ग बताओ क्वेश्चन नहीं लिया तो कैरी मिनाटी से रोस्ट करवा दूंगा तो आई थिंक भाई रोस्ट करवा दोगे तो पॉपुलैरिटी अपनी बढ़ेगी तो शायद मुझे क्वेश्चन पिक नहीं करना चाहिए था लेकिन जब क्वेश्चन पिक ही कर ली है तो भाई मेरा फेवरेट थीम सॉन्ग को आप देख नहीं सकते बिकॉज थीम सॉन्ग इज यू कैंट सी मी मुझे पता भद्दा मजाक था लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार डॉक्टर थगनोमस की तरफ से है सामने आई एम फ्रॉम नेपाल यूर बिग फैन आई वॉन्ट टू आस्क इफ जॉन सिन्हा रिटर्न टू स्मैकडाउन इज देर इज हाई पॉसिबिलिटी फॉर द मैच बिटवीन ट्राइबल चीफ एंड जॉन सिन्हा एंड मनी इन द बैंक और इन समर स्लैम तो भाई इसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जनरली इनका क्वेश्चन ये है क्या जॉन सिन्हा जब स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि ट्राइबल चीफ और जॉन सिन्हा का आमना सामना होगा तो काफी जल्दी सेपरेट वीडियो इसको लेकर भी चैनल पर आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार सामने भाई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ब्रो आप रेसलिंग के कितने बड़े वाले लेवल के फैन हो आई मीन उसके डाई हार्ट फैन की बात कर रहा हूँ जिससे कुछ लोग शॉकिंग मोमेंट होते हैं या फिर कुछ ह्यूज रिटर्न्स होती हैं तो वो रोने लग जाते हैं जैसे कि जब एज ने डैनियल ब्रायन ने क्रिश्चियन ने रिटर्न किया था तो काफी सारे फैंस मैंने देखा भी था कि जो लाइव ऑडियंस बैठी थी वो भी रोने लग गई थी और पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे WWE में कभी ऐसा होता है कि दिन भर शॉक लगता है जैसे एक आई रिमेम्बर 2016 सर्वाइवर सीरीज में मेगा मैच हुआ था ब्रॉक वर्सेज रोमन के बीच उस दिन मेरा थर्ड ईयर का एग्जाम भी था ऑलमोस्ट पेपर की पूरी टेंशन भूलकर मुझे शॉक लगा कि गोल्डबर्ग ने एक मिनट
मिनट 26 सेकंड में ब्रॉक को हरा दिया। तो क्या ये सेम चीज़ आप पे भी अप्लाई होती है और ऐसे मोमेंट्स पर आपका क्या रिएक्शन होता है? तो जिस दिन हुआ था ब्रॉक वर्सेस गोल्डबर्ग का सर्वाइवर सीरीज का मैच, तो भाई उस दिन मेरा भी एग्जाम था और मैंने भी घर आते सबसे पहले यही देखा था फोन के अंदर कि किसने किसको हरा दिया, क्योंकि मैं ब्रॉक को ही सोच रहा था और शौक तो मुझे भी लगा था कि भाई गोल्डबर्ग ने हरा दिया ब्रॉक को। और वहीं अगर मैं बात करूँ इमोशनल मोमेंट्स की, तो अभी फिलहाल अगर मैं रिसेंट की बात करूँ, जब सर्वाइवर सीरीज के अंदर अंडरटेकर अपनी स्पीच दे रहे थे रिटायरमेंट वाली, तो उस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था, क्योंकि अंडरटेकर WWE के वन ऑफ दी रिमेंबर लेजेंड है जो कि शायद कभी भूले नहीं जा सकते हैं। तो हाँ भाई कभी कभार होता है, ये डिपेंड करता है पूरे तरीके से WWE किस तरीके से उस मोमेंट को हमारे सामने रखती है। एज की रिटर्न मेरे लिए काफ़ी खुश वाली थी, मैं अंदर से पूरा खुश था कि फाइनली एज ने अपनी वापसी की और एक अनपॉसिबल कमबैक कह सकते हो, अल्टीमेट कमबैक कह सकते हो, वो किया था एज ने WWE के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार यंग टैग की तरफ से है, सामने अगर जिमी वर्सेस रोमन हेल इन अ सेल में होगा यूनिवर्सल टाइटल के लिए, तो क्या जे उसो रोमन को उनकी टाइटल कॉस्ट कर देंगे? मुझे ऐसे नहीं लगता, मेरे हिसाब से जिमी उसो के खिलाफ जे उसो खड़े रहेंगे और वो ट्राइबल चीफ की मदद करेंगे और आने वाले टाइम में जिमी भी उनके साथ ही आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रॉक लेसनर की तरफ से है, सामने ओह माय गॉड ब्रॉक लेसनर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रोहन भाई प्लीज मेरा क्वेश्चन पिक कर लेना। रोहन ब्रो आपको क्या लगता है कि ब्रॉक की रिटर्न कब होगी? तो मतलब ब्रॉक मुझसे पूछ रहा है कि ब्रॉक की रिटर्न कब होगी, काफी कमाल का क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक की रिटर्न लाइव फैंस के बाद ही होने वाली है, अब इन डिटेल हम लोग किसी एक लंबी छोटी वीडियो के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार डैशिंग जौहरी 7 की तरफ से है, सामने ब्रो बहुत दिनों से पूछ रहा हूं, आज रिप्लाई दे देना, व्हाट यू थिंक WWE को मिड कार्ड चैंपियनशिप वुमेन सुपरस्टार के लिए चाहिए या फिर नहीं, और क्या जॉन सिना कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंस को जब वो रिटर्न करते हैं 16 जुलाई के अंदर? तो भाई इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। और मिड कार्ड चैंपियनशिप की बात रही, आई थिंक WWE अपना वुमेन्स डिवीजन मेन टाइटल के साथ तो संभाल पा नहीं रही है और मिड कार्ड टाइटल की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मिड कार्ड टाइटल भी कुछ दिनों बाद बन जाएगी वुमेन्स की टैग टीम टाइटल्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस बार अंजन मनियर की तरफ से है, सामने ब्रो जैसे कि लाइव ऑडियंस की रिटर्न आ रही है, तो क्या जॉन सिना के साथ रॉक भी अपने रिटर्न कर सकते हैं और क्या वो कन्फ्रंट कर सकते हैं रोमन को समर स्लैम में? आई थिंक द रॉक की कभी भी रिटर्न होने वाली है, अगर वो स्पेशली रोमन को कन्फ्रंट करने के लिए आएंगे तो वो रेसलमेनिया के आसपास ही होगी, अब चाहे वो हॉलीवुड के अंदर हो या फिर रेसलमेनिया 38 से पहले हो, ताकि WWE जानबूझ के टेस करे कि एक ना एक दिन रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस रॉक जरूर होगा। और मेरे हिसाब से रॉक की रिटर्न पॉसिबल हो सकती है फॉक्स के पहले शो पर, जहां पर स्मैकडाउन के अंदर लाइव ऑडियंस आएगी, क्योंकि WWE को ज्यादा तगड़ी अटेंशन चाहिए उस एपिसोड के लिए ताकि टिकट जल्दी से जल्दी बुक हो, तो मे बी द रॉक भी अपनी अपीयरेंस दे सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि उनके शेड्यूल के अंदर उस दिन के लिए टाइम है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार चहल मल्होत्रा की तरफ से है, सामने रोमन वर्सेस सेथ कब होगा, समर स्लैम या हेल इन अ सेल? आई थिंक ये मैच समर स्लैम से पहले होने वाला मनी इन द बैंक पे पर व्यू के अंदर, जहां तक मुझे चांस लग रहा है हेल इन अ सेल में लगता है चांस अब थोड़े कम हो रहे हैं, क्योंकि जिमी उसो और जे उसो अगले हफ्ते टैग टीम में आएंगे, आई थिंक जिमी उसो निकलने वाले हैं उसमें से और उसके बाद हेल इन अ सेल के अंदर वो ट्राइबल चीफ को चैलेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार सलीम भाई की तरफ से है, सामने क्वेश्चन ये है कि मनी इन द बैंक का पेपर व्यू इस साल कौन जीतने वाला, क्या एज का चांस है या फिर नहीं? मेरे हिसाब से अभी फिलहाल जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है, लाइव फैंस वापस आने वाले हैं, एज का सबसे ज्यादा चांस है, बाकी डिपेंड ये करता है कि एज कब रिटर्न करते हैं। अगर एज रिटर्न नहीं करते हैं तब जाके यहां पर किसी और सुपरस्टार्स का मेरे हिसाब से चांस बनता है, बाकी पार्टिसिपेंट्स पे भी डिपेंड करता है, आई थिंक एज उनमें से जरूर एक पार्टिसिपेंट होने चाहिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस बार भरत मलमे की तरफ से है, सामने 4 ड्रीम मैचेस बताओ जो कि आपकी तरफ से रेसलमेनिया 39 के लिए। तो जो पहला मैच सभी देखना चाहते हैं रेसलमेनिया 39 के अंदर, आई थिंक आपने गेस कर ही लिया होगा, ये मैच होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस द पीपल्स चैंप रॉक के बीच। दूसरा मैच अगर लैशली वर्सेस लेजनर तब भी नहीं होता है तो भाई ये ड्रीम मैच भी आप मेरी तरफ से एक ऐड कर लो। तीसरा मैच मैं देखना चाहूंगा फिंड वर्सेस डीमन फिन बैलर के बीच, ये मैच कमाल का रहेगा। और चौथा ड्रीम मैच मैं देखना चाहूंगा सेथ रॉलिंस वर्सेस एडम कोल के बीच। अगर लेजनर और लैशली का मैच पहले ही हो जाता है तो आई थिंक एक वुमेन की तरफ से मैं ड्रीम मैच देखना चाहूंगा और वो है बेकी वर्सेस रोंडा राउजी। तो ये तीन या फिर तीन चार मैचेस पांच मैचेस कह लो जो कि मैं रेसलमेनिया 39 के अंदर देखना चाहूंगा, जो कि आप ड्रीम मैचेस भी कह सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन है वीडियो का वो रोशेश भाई की तरफ से है, सामने ब्रो क्या जॉन सिना आने वाले हैं और क्या सिर्फ फैंस आने के लिए जॉन सिना की अपीयरेंस करवा रही है या फिर उसके बाद उनका मैच होगा फ्यूड होगा? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू ब्रो, तो थैंक यू सो मच भाई सपोर्ट दिखाने के लिए। और मेरे हिसाब से जॉन सिना की रिटर्न तो होने वाले, लेकिन जॉन सिना रिटर्न करेंगे सिर्फ अपीयरेंस के लिए नहीं, बल्कि आई थिंक उनका मैच भी बुक होने वाला है, उनका फ्यूड भी होने वाला है, बाकी डिपेंड ये करता है WWE उनके रिटर्न को कंफर्म करती है या फिर नहीं। अगर जैसे मान लो कि मनी इन द बैंक
पे पर व्यू के अंदर रोमन वर्सेस सेथ होने वाला है। सोचो अगर जॉन सीना आते वो ये बात अनाउंस कर देते कि भाई जो भी विनर होगा मनी इन द बैंक पे पर व्यू के यूनिवर्सल टाइटल मैच का मैं उसको चैलेंज करने वाला हूँ, तो आई थिंक भाई काफी कमाल की चीजें होने वाली हैं जब जॉन सीना रिटर्न करेंगे। और जॉन सीना की रिटर्न आप लोग 95% से भी ज्यादा चांस मान सकते हो। तो भाई आज की जो क्यूएनए वीडियो लंबी चौड़ी बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, कैसा लगा क्यूएनए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और रियली सॉरी जिनके मैं क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। साथ ही साथ चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि क्यूएनए के अलावा भी हम लोग चैनल पर रेसलिंग कॉन्टेंट देते रहते हैं और कमाल की अपडेट्स आपको मिलती रहती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके बाकी आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।